मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अंजनी सिंथेटिक्स, जो कि एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, उस पर चर्चा करेंगे। यह कंपनी भारत के अग्रणी निवेशक सुब्रमण्यम पीजे के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। कंपनी अपना ऑपरेशन 1984 में स्टार्ट किया था, तो एक तरह से 40 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी के प्रमुख उत्पाद है, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, इनके प्रमुख उत्पाद है बेडशीट, ड्रेस मटेरियल, सूटिंग शर्टिंग और कर्टेंस, मतलब पर्दे। तो ज्यादातर सेगमेंट को होम टेक्सटाइल कहते हैं। होम टेक्सटाइल मतलब जो पर्दे हो गए, कवर हो गए, सोफा कवर हो गया, अलमीरा कवर हो गया या बेडशीट हो गया, वो कपड़े के सामान जो आपको घर में रखते हैं, फर्नीचर के ऊपर कवर हो गया, तो इन तरह के सामानों इनके प्रमुख उत्पाद है। इस तरह के टेक्सटाइल सामान कंपनी का प्रमुख उत्पाद है। साथ ही साथ कंपनी अब ड्रेस मटेरियल और सूटिंग और शर्टिंग के कारोबार में भी हिस्सा ले रही है। तो ड्रेस मटेरियल और सूटिंग शर्टिंग, ये दो नए कारोबार है, नए क्षेत्र है जिसमें कंपनी अपने पैर फैला रही है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस और फैक्ट्री दोनों ही अहमदाबाद में है, तो एक टेक्सटाइल हब के नजदीक है। सूरत को आप मेजर टेक्सटाइल हब मान सकते हैं, तो गुजरात अहमदाबाद में ही कंपनी स्थित है, जिससे कंपनी को नजदीकी जो पोर्ट है उनका भी फायदा मिल जाता है, पोर्ट मतलब बंदरगाह। गुजरात प्रमुख मार्केट है। आप सुब्रमण्यम पीजे के पोर्टफोलियो में ऐसी बहुत छोटी कंपनियां देख लेंगे जो एक क्षेत्रीय कंपनी आप कह सकते हैं, छोटी क्षेत्रीय कंपनियां, तो गुजरात इनका प्रमुख बाजार है। गुजरात राज्य में ये कारोबार करते हैं। साथ ही साथ कंपनी अपने पैर पसार रही है, कोशिश कर रही है कि ये बगल के दूसरे राज्य जैसे राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उन राज्यों में भी अपने पैर पसारे, उन राज्यों में भी अपना कारोबार आगे बढ़ाए। लेकिन मुख्यतः कंपनी गुजरात में ही स्थित है और गुजरात के ही लोकल कंपनी आप इसको मान सकते हैं। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस कंपनी का देखें, तो पिछले 20 वर्षों में कंपनी ने 900% का रिटर्न दिया है, जो कि एक सकारात्मक रिटर्न है। लेकिन अब डिटेल में अगर ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो पाएंगे 2002 में कंपनी 2.5 रुपए के भाव थी और 2007-08 तक कंपनी ने निवेशकों को 40 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया था, 80 के करीब गया था कंपनी। उसके बाद से आप फ्लक्चुएटिंग परफॉर्मेंस पाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों में ये खासियत आपको हमेशा देखने को मिलेगी, एक साइक्लिक सेक्टर है, एवरग्रीन साइक्लिक सेक्टर आप इसको कह सकते हैं। तो कंपनी का भाव 5 के नीचे आए, 10 के नीचे आए, तब आप इसमें निवेश करिए, और ऊपरी स्तरों पे 20 के ऊपर जाए तो आप इससे निकल जाइए। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है कंपनी में अच्छा मुनाफा कमाने का। तो साइक्लिक सेक्टर आप ऐसे ही प्ले करें तो ज्यादा अच्छा होता है। आप साइक्लिक सेक्टर में हमेशा हाई पी पे निकल जाइए, लो पी पे इंटर करिए, या क्या, तो सस्ते में आप खरीदिए, महंगे में बेचिए। एक साइक्लिक सेक्टर है, इसमें आप निवेशित नहीं रह सकते हैं, आप बाई फॉरएवर या फॉरगेट फॉरएवर वाला पंडा यहाँ पे नहीं चलेगा। मार्केट कैप कंपनी का 37 करोड़ के आसपास है, तो बहुत छोटी कंपनी है, 100 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। मुझे अगर 100 करोड़ से नीचे की कंपनियां के बारे में इच्छा होती है जानने की, तो हमेशा इनके पोर्टफोलियो को देखता हूँ, इससे इस तरह की काफी कंपनियों का पता मुझे चल जाता है, मैं अपना वॉच लिस्ट तैयार कर सकता हूँ। तो एक टेक्सटाइल सेक्टर की 100 करोड़ से नीचे की कंपनी जिसने 900% का रिटर्न दिया है, अगर हम 2002 से 2021 तक का भाव देखें, साइक्लिक है, सही स्तर पर अगर निवेश किया है लोगों ने तो इसमें पैसा भी बनाया। जैसे आप 2014 के आसपास अगर निवेश कर रहे हैं, 18 पे निकल रहे हैं, तो आपने पैसा बनाया, तो यही है, आइए निकलिए, पकड़ के मत बैठिए। इनके पोर्टफोलियो के बाकी स्टॉक्स का विश्लेषण मैंने अपनी वेबसाइट manipati.com पे किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भविष्य के वीडियो की जानकारी के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह मेरी खुद की रिसर्च है,
और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को मदद मिल सके। धन्यवाद।